वैसे ही मेरी पहली फ्लाइट, वैसे ही मौसम गड़बड़, पर आज तू जा रहा जैसे तो डर मुझे क्यों लग रहा है यार इतना। तो चले जी, ये अपना एयरक्राफ्ट, समंदर नजदीक, हम तो पहाड़ वाले। तो फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। अभी सुबह के करीब 11 बजने वाले हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। आज एक स्पेशल सा दिन है, उसका रीजन ये है कि आज मेरी लाइफ की पहली फ्लाइट होने वाली है। मौसम गड़बड़ था और उसकी वजह से अभी मैसेज आया है कि फ्लाइट डिले हो गई है। बाकी अभी थोड़ा सा बारिश बंद हो गई है, जिस वजह से जो देहरादून का माहौल है ना, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही गजब सा हो रखा है अभी। तो चलिए जी, यहाँ पे अपने दो बैग पैक हो चुके हैं, इसमें अपने कपड़े हैं और इसमें गैजेट्स वगैरह हैं। एक है चेक इन बैगेज और एक जो हाथ पे ले जाने वाला होता है। तो निकल पड़ते हैं एयरपोर्ट की ओर और प्रीति भी आ रही है पहली बार एयरपोर्ट को देखने के लिए, बस नजदीक से। हाँ, वही तो यार, क्या कर सकते हैं। वैसे सर प्रीति के पास मौका था फ्लाइट से यात्रा करने का, लेकिन इसके पेपर वगैरह पढ़ाई के चक्रों में अगली बार आएगी। अब तो एयरपोर्ट जाने से पहले हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल में, सासू जी का भी चेकअप करवाना है और वहाँ पे कोई एडमिट है अपनी फैमिली से, उनका भी हालचाल पूछ लेंगे एक बार। पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल की पार्किंग में और दीदी भी आई है, ठंड हो गई देहरादून में खूब। हॉस्पिटल का काम तो निपट चुका है, अब इसके बाद निकल पड़ते हैं सीधे एयरपोर्ट की ओर। देखिए जी, आज एक सीन हो गया, वैसे ही मेरी पहली फ्लाइट, वैसे ही मौसम गड़बड़, भयंकर वाला डर लग रहा है। मैं एरोप्लेन में आज तक कभी नहीं बैठा हूँ, बस हेलीकॉप्टर में बैठा हूँ, वो भी केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए। उसमें भी डर लगा था और आज भी डर लग रहा है। खैर, देखते हैं क्या होता है आगे आगे। बाकी अभी हमको जाना है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक, जो कि हमारे यहाँ से सबसे नियरेस्ट वाला एयरपोर्ट है। तो यहाँ से हमको जाना है लेफ्ट को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की ओर। अगर सीधे आगे को जाएंगे तो ऋषिकेश के लिए रास्ता जाता है और ये रास्ता यहाँ से सहस्त्रधारा और रायपुर के लिए भी जाता है। तो एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करते ही यहाँ पे एक पर्ची कटेगी, गाड़ी जितने मिनट अंदर रहेगी उस हिसाब से चार्ज पड़ेगा वापसी के टाइम पे। और आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जो लोग फर्स्ट टाइम फ्लाइट कर रहे हैं, मेरा अनुभव क्या रहता है, उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से। तो ठीक सामने है बड़ा सा एयरपोर्ट और इसके अंदर ही है मैं सारी चीजें जितनी भी प्रोसेसिंग होनी है, सिक्योरिटी से लेकर सब कुछ। तो चले जी, एयरपोर्ट के पास में पहुंच चुके हैं, बस अंदर चलते हैं। मैंने प्रीति को भी बोला था कि टिकट करवा दे, तू भी चल ले, लेकिन ये तो मानी नहीं। पर आज तू जा रहा जैसे तो डर मुझे क्यों लग रहा है यार इतना। तो अभी मैं आया हूँ एयरपोर्ट के ऊपर वाले फ्लोर पे और सबसे पहले एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करने से पहले वहाँ पे आईडी चेक हुई और मेरा जो टिकट था वो चेक हुआ। उसके बाद बैग स्कैन हुए कि उसके अंदर कुछ है तो नहीं। बाकी उसके बाद बोर्डिंग पास बनता है, वहाँ पे अपना जो बैग था मेरा सामान वाला वो जमा कर दिया है और एक बोर्डिंग पास मिला, मतलब उस पर नंबर लिखा हुआ, सीट नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद अब बोर्डिंग स्टार्ट होगी, मतलब कि हम विमान में जाने के लिए आगे बढ़ेंगे। और बोर्डिंग होने के बाद सिक्योरिटी चेक होता है, मतलब कि जो भी गैजेट्स हैं वो सारी एक ट्रे में रखने पड़ते हैं। उसके बाद वहाँ से पूरी बॉडी की स्कैनिंग होती है, सब कुछ ओके होने पे आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक सामने पे जो एयरक्राफ्ट है उसी में हमको जाना है। तो चलिए जी, ये अपना एयरक्राफ्ट। कौन है वही मैं थोड़ा सा, हाँ जरूर जरूर। तो चलिए जी, फ्लाइट में बैठ चुके हैं, अपनी सीट पे आ चुका हूँ। बाकी अब देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है विस्तारा में पहली बार का। और विंडो सीट बुक करी थी तो यहाँ से दूसरा विस्तारा का जो कि दिल्ली जा रहा है। तो अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है कि कहाँ जाने वाला हूँ, जब मैं पहुँच जाऊँगा तभी आपको बताऊँगा, थोड़ा सा सस्पेंस बना रहने दीजिए। बाकी अकेला हूँ फ्लाइट में, मुझे लगता है एक दो कोई अपने रिलेटिव भी हैं इसमें, पर मुझे पता नहीं है कौन है क्या है।
और चेक इन में अपना जो बैग गया था वो यहाँ इस बेल्ट पे आ चुका होगा। देखते हैं अब अपना बैग कौन सा है। तो फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और अब आपको बता देता हूँ कि मैं कहाँ आया हूँ। मैं आया हूँ मुंबई में, यहाँ कुछ काम से आया हूँ। बाकी आज का जो ट्रैवल एक्सपीरियंस था ना वो बहुत ही गजब का रहा। मतलब टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे थोड़ा सा डर लगा और जब हवा में एयरप्लेन था ना तो थोड़ा सा हिलता रहा था, उस टाइम डर लग रहा था, बाकी सब कुछ नॉर्मल था। बाकी अपने सब्सक्राइबर्स मिले, इनसे जान पहचान भी लगी और अब यहाँ पर मुझे किसी का वेट करना है। अपने मामा जी हैं वो आने वाले हैं, फिर यहाँ से जहाँ हमको जाना है वहाँ साथ में जाएंगे। गाड़ी की व्यवस्था भी हो चुकी है, जो ये भैया जी हैं ये हमको छोड़ेंगे हमारी डेस्टिनेशन तक। चलो जी, यहाँ पे आके एक प्यारा सा फाउंटेन दिखा है, गजब का पानी है इसमें, रंग बिरंगा पानी भाई। और यहाँ पे वेट करते करते एक घंटा हो गया है, जिनका मैं वेट कर रहा हूँ उनकी फ्लाइट भी डिले हो गई है, मतलब कि अभी और वेट करना पड़ेगा, देखते हैं कब तक वो आते हैं। तो फाइनली जिनका हमें इंतजार था वो भी आ चुके हैं, हमारे मामा जी। हाँ मैडम, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पार्किंग में लगी हुई हैं खूब महंगी महंगी गाड़ियाँ, जहाँ देखो BMW, मर्सिडीज। देखिए जी, मुंबई में आके तीन चीज़ें गौर करने वाली हैं। एक तो यहाँ आके सबसे पहले बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं, जहाँ देखो ऊंची ऊंची इमारतें। बाकी दूसरा महंगी महंगी गाड़ियाँ, तीसरा चौड़ी चौड़ी सड़कें, चौथा समंदर नज़दीक। हम तो पहाड़ वाले जहाँ बर्फ रहती है और यहाँ आके समंदर देखने को मिलता है। बाकी मिर्चा जो मामा जी हैं ये केदारनाथ धाम से डायरेक्ट यहीं आ रखे हैं, मतलब वहाँ इतनी ज्यादा बर्फ और यहाँ के इतना ज्यादा गर्म, बिल्कुल 5-6 फीट बर्फ है, पूरी 5-6 फीट बर्फ से सीधे यहाँ 27-28 डिग्री टेम्परेचर में। उसके वो सामने दिख रहे वो चौक होने वाला वो ताज होटल। दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं होटल, रात के करीब 12 बजने वाले हैं और फाइनली हम होटल में पहुंच चुके हैं। और अब आपको बताते हैं कि मैं यहाँ मुंबई में क्यों आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ एक शादी फंक्शन अटेंड करने के लिए, अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे है, तो वहाँ पे शायद वीडियो ना बने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। बाकी हो सकता है कि 2-4 दिन तक वीडियो ना आए, देखते हैं क्या होता है। बाकी यहाँ पे दीदी जिया जी अभी सभी लोग मिल चुके थे और हम इस वाले होटल में हैं। यहाँ पे 3 बेड लगे हैं छोटे छोटे, मस्त मजे से रहेंगे। और आज का मेरा जो अनुभव था फ्लाइट का बहुत ही बढ़िया रहा, मतलब पहली बार था, डर भी लगा, सब चीजें हुई, नई नई चीजें देखने को मिली, जानने को मिली। बाकी अभी यहाँ पे कम से कम 5-6 दिन पहले पहुंच चुका था। बाकी अब आराम करते हैं और वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूं आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।